अस्सलाम वालेकुम खान साहब, खान साहब मोहम्मद हसन सऊदी अरबिया से। खान साहब थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तानी कौम के लिए इतना सारा कुछ किया, यकीन करें आई हैव नो वर्ड्स। तो सवाल लाइटर नोट पे है, और लाइट सवाल ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार अभी 2000 रुपये देगी, तो इनको खर्च कैसे करना है? और ये मेरा सवाल पूछने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप तक ये सवाल पूछता है तो आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, तो जस्ट उस मुस्कुराहट को लाने के लिए ये मेरा सवाल किया है। तो इसके बारे में आप कुछ बता दें। और दूसरा ये बता दें कि जब ऐसे बयान आते हैं तो क्या आपको भी हमारी तरह हंसी आती है इस बात पे? असल में देखें रिजवान, जो हंसी तो क्या, जो सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ है वो ये कि ये जो भी जिन्होंने भी इस मुल्क ये हमारे ऊपर ये इनको मुसलत किया, यानी मैं तो सोचता हूँ कि वो कितना हमें नीचा समझते होंगे, क्योंकि मैं तो मगरबी को सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह, उनके माशरे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप यकीन करें कि जिस मुल्क में 60% कैबिनेट जमानत पे हो, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सजा होने वाली हो, ये जो 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी केस के अंदर, उनको मुल्क की क्यादत कर दें, अपने मुल्क के अंदर अगर कोई जमानत पे हो, वो उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई रखता ही नहीं है इस आदमी को जो जमानत पे हो, तो उनकी अखलाकियात, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स किधर हैं? और हम इन्होंने हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स किधर ले आए हैं? और जिन्होंने हमारे ऊपर ये मुसलत किए वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, जो भी अंदर बैठे हुए थे और जो बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसलत किया है वो ये मुल्क के दुश्मन हैं। इसके पीछे बाहर जो अमेरिकन लॉबी जो है वो बड़ी करीब काम करती है हिंदुस्तान की लॉबी और इसराइल की लॉबी से, हम आपको सबको पता होना चाहिए। जब मैं गया तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हिंदुस्तान में बनी, और इसराइल के अखबारों में देखें वो कितने खुश हुए कि जी वो इमरान खान को और ये चेरी ब्लॉसम को ऊपर ले आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। इससे बेहतर क्या टैक्टिक्स होंगी कि कोई लड़ाई किए बगैर ही उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया? आज जिस तेज़ी से हमारी माशत तेज़ी से नीचे जा रही है, आज जिस तरह हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है, महंगाई, हमें इन्होंने सारा वक्त कहा कि जी महंगाई की वजह से ये महंगाई मार्च और जी मुल्क महंगाई की तबाह कर दिया है, इन्होंने 2 महीने वो महंगाई किया जो हमने 3.5 साल में नहीं की। इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से कीमतें बढ़ाई हैं और जिस तरह मईशत नीचे जा रही है, कहने का मेरा मकसद ये है कि ये महंगाई का नाम लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन महंगाई इनका इशू नहीं था, क्योंकि इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी दौलतें, इनके लीडर सारे पैसे, अरबों डॉलर, बल्कि इस मुल्क से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर पड़ा है। तो इनका इशू सिर्फ ये था अपने करप्शन केसेस से बचने का, और अपनी ये इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके, धांधली करके, इलेक्शन करके फिर मुसलत करना। तो लिहाजा जो आपने बात की ना कि हम आगे क्या करें, ये जो लोग ऊपर बैठ के हैं अब हम क्या करें, हम वो करें जो कि हर जिंदा कौम करती है, वो अपने हकूक के लिए, अपनी मफादात के लिए खड़ा होती है। वो कौम, जिंदा कौम निकलती है बाहर, वो जिस तरह लोग निकले थे उस दिन, जब जिस दिन मुझे मैं ऑफिस से निकला, उससे अगले दिन जिस तरह पब्लिक निकली, ये जिंदा कौम की निशानी है। बरतानिया के अंदर लोग, मुझे कभी नहीं भूलता, इराक वॉर जिससे बरतानिया को फ़ायदा होना था क्योंकि वो तेल के ऊपर जंग थी, जब उसके खिलाफ 20 लाख लोग बरतानिया में सड़कों पे निकले, जिंदा कौम है। तो इंशाल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूँ कि इस ये जो हुआ है, ये सारी साजिश, इससे हमारी कौम जिंदा हो गई। मैं वो पाकिस्तान में चेंज देख रहा हूँ जो मैंने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा।